लुपजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है टॉक्सिक स्लिंक, भारत का ही है, दिल्ली में दफ्तर है। ये उन तमाम फैक्टर्स पर शोध करते हैं जो किसी ना किसी तरीके से जलवायु को या हमारे जीवन को प्रदूषित कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एक रिसर्च किया है बेबी डायपर्स पर। इस रिसर्च के मुताबिक बच्चों के डायपर में जहरीले केमिकल्स पाए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक बेबी डायपर्स में एक बेहद खतरनाक केमिकल्स के अंश पाए जाते हैं। ये केमिकल है थैलेट्स। चूंकि बच्चे काफी देर तक डायपर पहने रहते हैं तो इस बात का खतरा रहता है कि ये थैलेट्स रिस कर उनकी स्किन के संपर्क में आएंगे। थैलेट्स से क्या खतरा रहता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, लिवर डिसऑर्डर और कैंसर तक। रिसर्च के लिए टॉक्सिक स्लिंक ने डायपर्स बनाने वाली 19 कंपनियों के 20 सैंपल्स इकट्ठे किए। वैरायटी रखने के लिए इनमें से कुछ ई कॉमर्स साइट से मंगवाए तो कुछ बाजार से खरीदे, फिर इनकी लैब टेस्टिंग कराई। उसी के आधार पर थैलेट्स की मौजूदगी की पुष्टि हुई। अब ये जानते हैं कि आखिर ये थैलेट्स होते क्या है। थैलेट्स एक किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जाता है। डायपर्स में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और इनमें थैलेट्स का। लेकिन जब बच्चे ये डायपर पहनते हैं तो नमी पाकर ये थैलेट्स आसानी से डायपर से मुक्त हो जाते हैं और सीधे स्किन के संपर्क में आ जाते हैं। थैलेट्स केमिकल का एक टाइप होता है जिसे कहते हैं DEHP। ये सबसे खतरनाक होता है। बच्चों के किसी भी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल न करने की नसीहत दी जाती है। यूरोपियन यूनियन के देशों में, अमेरिका में तो ये बैन भी है। लेकिन जिन बेबी डायपर्स पर रिसर्च किया गया उनमें DEHP की मौजूदगी पाई गई। इसकी मात्रा 2.36 ppm से लेकर लगभग 265 ppm तक पाई गई, जो कि काफी ज्यादा है। ppm माने पार्ट्स पर मिलियन। डायपर हमेशा बच्चों के जननांगों के संपर्क में रहते हैं। जब इनमें से थैलेट रिसता है तो जननांगों के रास्ते वो आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है। रिसर्च में बताया गया है कि थैलेट्स ज्यादा मात्रा में शरीर में जमा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लिवर, किडनी, लंग्स की दिक्कत, कैंसर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत, फर्टिलिटी इश्यूज, न्यूरो डेवलपमेंट इशू, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज और ऑटिज्म तक। यही नहीं, अधिकतर घरों में डायपर्स को खुले में ही फेंक दिया जाता है या हम इसे डस्टबिन में भी फेंक देते हैं तो कूड़े वाला आकर उठाकर ले जाता है और फिर वहां से खुले में फेंक दिया जाता है। डायपर से रिसने वाला थैलेट्स जब पर्यावरण के संपर्क में आता है तो वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। थैलेट्स के कण हवा में मिलते हैं और फिर सांस के माध्यम से वो शरीर में पहुंच जाते हैं। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है? रिसर्च में इस पॉइंट का जिक्र है। जवाब है नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही सबसे ज्यादा डायपर्स बनते हैं या सबसे पहले डायपर्स पर इस तरह की रिसर्च हुई है। कई यूरोपियन देशों में डायपर्स पर रिसर्च हुए हैं, लेकिन भारत में जो डायपर मार्केट में है उनमें से कई में DEHP थैलेट्स की मात्रा बाकी देशों से ज्यादा पाई गई। यूरोपियन देशों में इसके इस्तेमाल को लेकर कड़े निर्देश हैं। चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी थैलेट्स के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाता है, लेकिन भारत में अब तक ऐसा कोई रेगुलेशन, कोई गाइडलाइंस नहीं है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द ललन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।